हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग स्टूडियो। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, क्या इसकी वैल्यूज़ होती है, ये पूरा वीडियो उस पर बनाया गया है। ठीक है ना, इसमें हम आपको जो वीडियो के एंड में कुछ गेट से और आईएएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको बेनिफिट कर सकते हैं गेट में और आईएएस के एग्ज़ाम्स में। ठीक, हम आपको एक सीरीज प्रोवाइड करने वाले हैं यहाँ पर जो कीवर्ड से होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, जिससे मेनली क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, हम उसकी एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। तो हम उसमें क्या करेंगे कि आपको पहले टॉपिक का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे, देन हम आपको उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जो आ सकते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, यदि नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम उस तरीके से वर्क कर सकें, ताकि हमें एक वैल्यू प्रोवाइड आपको कर सकें। ठीक है ना, ये पूरा वीडियो, पूरा जो यूट्यूब का चैनल है हमारा, ये सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडियो के सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बनाया गया है। आने वाले टाइम पे आपका जिस प्रकार से हमारा रिस्पॉन्स रहेगा, तो हम इस पर करंट अफेयर्स की भी सीरीज लाने वाले हैं। ठीक है, जो आपके मेनली एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो डोंट वेस्ट मोर टाइम्स, वी कैन स्टार्ट नाउ। फर्स्ट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती क्या है। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी मेनली क्या होती है, मतलब आप समझ सकते हैं इसको वर्ड्स के अकॉर्डिंग, कि किसी मटेरियल की, यदि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, उसमें हम किस तरीके से सेफ्टी ला सकते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पर सिर्फ सेफ्टी का इंश्योरेंस करना है। ठीक है ना, मतलब हमें सेफ्टी को इंट्रोड्यूस करना है आपका जो भी मटेरियल है। ठीक, क्योंकि आप सिविल इंजीनियर हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कोई सा भी एलिमेंट है, स्ट्रक्चर है किसी भी टाइप का, तो हमें उसमें क्या चाहिए, सबसे पहले सेफ्टी। अब उस सेफ्टी का फैक्टर क्या होना चाहिए, किस पर डिपेंड करेगा, उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो नाउ द फर्स्ट इज द, क्या बोलना है आपको, डेफिनेशन क्या है आपकी यहाँ पर, कि द रेशो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल और पीस ऑफ मटेरियल टू द एक्चुअल वर्किंग स्ट्रेस और द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस व्हेन इन यूज, मींस कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसी भी मेंबर का या किसी भी मटेरियल के पीस का, है ना, कोई बॉडी हो सकती है जिसको हम बॉडी के भी बोलते हैं, कोई बॉडी हो सकती है, कोई मटेरियल हो सकता है, उसका पीस हो सकता है, टुकड़ा हो सकता है। ठीक है ना, सिंपल एक मेंबर हो सकता है, उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है टू द एक्चुअल वर्किंग स्ट्रेंथ और द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस व्हेन इन यूज, मींस यदि आपके पास कोई मटेरियल है, यदि आपके पास कोई मटेरियल, जैसे मान लीजिए ये मटेरियल है आपके पास, ठीक, इस मटेरियल की, जो आपको ये मटेरियल है, इस मटेरियल की कुछ ना कुछ अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी जिस पर ये वर्क करेगा। इट मींस इस पे यदि हम लोड लगाएंगे, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ ले सकता है। ठीक है ना, तो इस मटेरियल की क्या है, एक कोई अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, बट हम जो वर्क करते हैं वो एक्चुअल वर्किंग स्ट्रेस या फिर मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पर हम वर्क करते हैं, कि इसकी इतनी कैपेसिटी है, ठीक, परमिसिबल है। यदि हम इससे बियॉन्ड जाएंगे, तो हमारे कुछ मटेरियल में चेंजेस आना स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू द वर्किंग स्ट्रेस और द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस का रेशियो क्या होता है आपका, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है ना, मतलब आप जिस पर वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है उस मटेरियल की। ठीक, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूजली रिफर टू वन ऑफ टू थिंग्स, ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है, ये मेनली दो चीज़ों को रिफर करती है या फिर प्रेफर करती है। फर्स्ट इज द एक्चुअल लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर और कॉम्पोनेंट। इट मीन्स यदि आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल रहे हैं, तो किसी भी कॉम्पोनेंट या स्ट्रक्चर एलिमेंट की आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल रहे हैं, तो उस एलिमेंट की जो बेयरिंग कैपेसिटी है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी,
उस कैपेसिटी पर आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड करेगी कि उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, हाउ मच टेक द लोड, है ना। नाउ द सेकंड वन इज़ द रिक्वायर्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर स्ट्रक्चर। यदि आप किसी मटेरियल पर लोड लगा रहे हैं तो आप सेफ्टी लेके चलते हैं कि एक मार्जिन लेके चलते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के लिए कि मुझे इससे ज़्यादा लोड नहीं देना है। यदि मैंने इससे ज़्यादा लोड दिया तो स्ट्रक्चर मेरा फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक ये मार्जिन हो गया किसी भी कंपोनेंट, किसी भी एलिमेंट, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है ना। नाउ अब ये जो रिक्वायरमेंट से ये हम किसके द्वारा फुलफिल करते हैं, कोड के द्वारा, ठीक है ना। कोड के द्वारा हम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अ वेरी बेसिक इक्वेशन टू कैलकुलेट FOS, FOS मींस फैक्टर ऑफ सेफ्टी, FOS मींस फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है ना। इसको यदि हम सिंपली डिफाइन करें तो क्या होता है कि अल्टीमेट स्ट्रेस बाय द टिपिकल स्ट्रेस या फिर वर्किंग स्ट्रेस, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस जिसमें मैंने आपको बताया, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मैक्सिमम, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टिपिकल या फिर वर्किंग स्ट्रेस। हम इस सिंपल सा वेक्टर ऑफ सेफ्टी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए तभी आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी समझ में आएगा, ठीक है ना, कि कौन कौन सी वैल्यूज प्रोवाइड होती है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर यह है कि आपको इस चैनल पर हर एक टॉपिक के साथ कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं जो आपको बेनिफिट करेंगे आपकी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ अब यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज प्रोवाइड की गई है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की हम जो मार्जिनल वैल्यू से हम किस तरीके से लेते हैं और उस वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। नाउ अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ मींस वन डेटा स्ट्रक्चर और कंपोनेंट विल फेल एग्जैक्टली व्हेन इट रिचेस द डिजाइन लोड। मींस यदि आपका कोई लोड है, आपका कोई एलिमेंट है, मान लीजिए ये कोई एलिमेंट है, ठीक, इस पर जब आपने लोड लगाया, किसी प्रकार का भी लोड हो सकता है, ठीक है ना, इस पे जो लोड लगाया, यदि आपकी कंपोनेंट डिजाइन लोड तक पहुंच जाता है, ठीक है ना, तो वहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है, वन, ठीक, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू वन डिजाइन लोड के लिए, ठीक है ना। कंपोनेंट विल एग्जैक्टली फेल व्हेन इट रिचेस द डिजाइन लोड। यदि डिजाइन लोड तक पहुंच गया आपका कोई कंपोनेंट तो वहां पर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेंगे, वन। नाउ सेकंड इज द स्ट्रेस और कंपोनेंट। यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसी भी स्ट्रक्चर या कंपोनेंट की यदि लेस देन वन है तो हम क्या करेंगे कि जो हम कंपोनेंट है उसको हम यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिनिमम वन तो होना चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। नाउ यदि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी दो से ज़्यादा हो जाती है, इक्वल टू टू, तो क्या बोल रहा है, कंपोनेंट विल फेल एट डिस्ट्रॉयज द डिजाइन लोड एंड सून। हो सकता है कि बाद में इसको फेल हो जाए, या जैसे आपने जितना लोड डिजाइन लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब वन था उतना दिया, यदि हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू ली, ठीक है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू ली तो हम क्या कर बोल सकते हैं कि ट्वाइस द डिजाइन लोड में फेल होने वाला है, ठीक है ना, उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ और बढ़ गई, है ना, तो हमने बोला कि वो आफ्टर सम टाइम फेल होगा, ठीक है ना। जिस टाइम पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी वन है जिस मटेरियल की, उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा ताकि वो सेफ रहे, ठीक, फेल होने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम आगे और बताएंगे आपको अच्छे से कि किस मटेरियल के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज वहाँ पर यूज होती है। तो आपको अभी ये समझना है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू वन मीन्स आपका जो कॉम्पोनेंट है वो फेल होगा जब कब आपका जो डिजाइन लोड तक पहुँच जाएगा, ठीक। फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू कब होगी, जब हम ट्वाइस द डिजाइन लोड लेंगे, ठीक है ना। मेनली हम जो डिजाइन लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो मेनली हम लेते हैं 1.5 डेड लोड के लिए, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। तो हम जब कोई भी कंपोनेंट डिजाइन करते हैं आरसीसी में तो हम क्या करते हैं कि जो डेड लोड होता है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है कि आपकी जो मटेरियल है सिविल का कोई भी मटेरियल सॉरी एलिमेंट से उसकी स्ट्रेंथ को हम बढ़ा रहे हैं, उसकी जो सर्विसिबिलिटी है उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। Now, here is I am providing the some of important
वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द कॉर्ड। नाउ आपको यहाँ पर दिख रहा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या बोल रहा है कि जो अनसर्टेनिटी है, मतलब इट इज़ प्रोवाइड टू अ डिजाइन मार्जिन ओवर द थियोरिटिकल डिजाइन कैपेसिटी टू अलाउ फॉर अनसर्टेनिटी इन द डिजाइन प्रोसेस। इट मीन्स आपके जो एलिमेंट है उस एलिमेंट में ऑलवेज कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी। उस अनसर्टेनिटी को हटाने के लिए आप क्या करते हैं, देखिए आपके पास यदि कोई भी मटेरियल, आपके पास कोई भी एलिमेंट है तो उस पर क्या है कि आपकी थ्योरेटिकल डिजाइन कैपेसिटी भी होगी और एक डिजाइन मार्जिनल कैपेसिटी होगी। इट मीन्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी और वर्किंग स्ट्रेस होगी। वर्किंग स्ट्रेस जिस पर हम वर्क करने वाले हैं, अल्टीमेट मतलब भविष्य में यदि आपके पास कोई लोड ज़्यादा जाता है तब भी वो बियर कर पाए, ले सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है आपको यहाँ पर बताया गया है। देखिए कि स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पोनेंट मतलब उस कॉम्पोनेंट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है ना। लोड ऑन द कॉम्पोनेंट एक्चुअल लोड मतलब मान लीजिए कि आपके पास कोई लोड है, आपके पास मान लीजिए कोई एलिमेंट है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इसकी एलिमेंट, ठीक, इस एलिमेंट की जो कैपेसिटी है ना वो कितनी है आपकी 60 किलो न्यूटन। मान लीजिए 60 किलो न्यूटन का एक इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, क्या है ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। बट जो हमारी वर्किंग स्ट्रेस है जिस पर हम वर्क करने वाले हैं, एक्चुअल लोड मान लीजिए इस लोड इस पर कंपोनेंट पर लोड ही कितना आ रहा है 40 किलो न्यूटन का आ रहा है, इससे ज़्यादा का आ ही नहीं रहा। यदि हम फ्यूचर के लिए अकॉर्डिंग की बात करें तो इस पर मान लीजिए 50 किलो न्यूटन हो सकता है, 45 हो सकता है, 55, यदि 60 किलो न्यूटन तक नहीं पहुँचेगा तो इस मटेरियल की कैपेसिटी तो 60 है बट हम वर्क कितने पर कर रहे हैं, 40 किलो न्यूटन पर वर्क कर रहे हैं। तो ये होता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज प्रोवाइड की गई है, आप यहाँ पर वैल्यूज प्रोवाइड देख सकते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिए कि यदि आपकी वैल्यू ये 1.25 से 1.5 है तो आपकी जो एप्लीकेशन है क्या बोल रहा है कि मटेरियल प्रॉपर्टीज नॉन इन डिटेल, ऑपरेटिंग कंडीशन नॉन इन डिटेल, लोड एंड रिजल्टिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन नॉन ए हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेस, लोड वेट इज इम्पोर्टेंट, लो वेट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। इल डिस्टेंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं नाउ, तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जो वैल्यू 1.25 से 1.5 है तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक्यूरेसी लो वेट इज इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक। नाउ सिमिलरली यहाँ पे अभी हम यहाँ पर आपको देखें देखिए अब आपको यदि यहाँ पे हम देखें कि 2 to 3 है तो वो किसके लिए है, ये ब्रिटल मटेरियल के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पर आपको ब्रिटल मटेरियल के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ हुई है ट्राइड मटेरियल, ट्राइड मटेरियल का मीन्स ये है कि टेस्टेड मटेरियल है, ठीक है ना, और टेस्टेड मटेरियल या फिर ब्रिटल मटेरियल है उसके लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी है यील्ड डिस्टेंस कितने लेंगे, यील्ड डिस्टेंस पर जो डिपेंड कर रहा है 2 to 3। सिमिलरली अब ये भी हम यहाँ पे 3 to 4 ले रहे हैं तो ये अनट्राइड मटेरियल के लिए कि आपको वहाँ पर अनटेस्टेड अनप्रूव्ड मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यदि आपके पास दो मटेरियल है, एक ट्राइड है और दूसरा अनट्राइड है, मतलब एक टेस्टेड है और एक नॉन टेस्टेड है, टेस्टेड मटेरियल की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है या फिर उसमें ये अल्टीमेट स्ट्रेस है उसको हम पता लगा हुआ है टेस्टेड मटेरियल में, हमने UTM से पता किया हुआ है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से हमने उस मटेरियल का एनालाइज़ किया है, तो उस चीज़ की हमें क्या मिल गई वैल्यू कि ये मटेरियल कोई भी मटेरियल है, जैसे आपके पास ये मटेरियल है, ठीक, इसकी मैंने टेस्ट किया, इसको मैंने क्या किया टेस्ट किया, किस पे किया UTM पर, ठीक, UTM मीन्स यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर मैंने इस लोड को एनालाइज़ किया, ठीक। तो इस एनालाइज करने पर इस मटेरियल की हमें क्या मिल गई, एक अल्टीमेट डिस्टेंस मिल गई, मान लीजिए इसकी वैल्यू थी 60 किलो न्यूटन, ठीक, 60 किलो न्यूटन का इसके पास लोड था क्या मैक्सिमम, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास, अब हमें यदि डिजाइन करना है तो हम 60 किलो न्यूटन के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे, ठीक है ना, मतलब हम इससे अब वैल्यू को कम प्रोवाइड करेंगे ताकि हम सर्विसेबल हमारी अच्छी रहे। बट यदि हमारे पास कोई मटेरियल है कि जैसे अभी हमारे पास ऐसा कोई मटेरियल है जैसे ये वाला मटेरियल है, इस मटेरियल को हमने टेस्ट नहीं किया और डायरेक्ट हमने एप्लीकेशन के लिए इसको रख दिया स्ट्रक्चर पर,
तो हमें इस एलिमेंट की जब हम डिज़ाइन करेंगे, क्या करेंगे, जब डिज़ाइन करेंगे तो हमें इसकी जो लोड कैपेसिटी है, लोड कैपेसिटी नहीं पता है। जब लोड कैपेसिटी आपको किसी भी मटेरियल की नहीं पता है तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेना पड़ेगा, मतलब फैक्टर्ड सेफ्टी ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर आपको फैक्टर सेफ्टी लेना, इसलिए आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि 3 to 4 लेना है। ठीक, जब अनट्राइड मटेरियल, अनप्रूव मटेरियल, अनटेस्टेड मटेरियल है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशन का भी फ़र्क देखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब आपका जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको समझ में आया कि अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस डिवाइडेड बाय परमिसिबल स्ट्रेस, कि हम कितना प्रोवाइड वहाँ पर कर रहे हैं। बट हमें उस दोनों चीज़ पता होनी चाहिए कि हम कितना लोड वहाँ पर देने वाले हैं, प्लस हमारे पास कितना लोड उसके ऊपर आ सकता है। ठीक, ये होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब आपको किसी भी मटेरियल, किसी भी एलिमेंट को सेफ करने के लिए, उसकी सर्विसबिलिटी बढ़ाने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, तो 1 by 1 हम यहाँ पर देखते हैं, साथ ही साथ मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अडॉप्टेड बाय, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अडॉप्टेड बाय IAS 100/1984 while arriving the permissible stress in compression, means यदि मान लीजिए आपका कोई मटेरियल है ना, जैसे आपके पास ये मटेरियल है, इस मटेरियल का कुछ पोर्शन का आपका जब लोड लगाएंगे तो क्या होता है कि कुछ टेंशन में जाता है और कुछ कंप्रेशन में जाता है, तो नीचे वाला कंप्रेशन, ऊपर वाला टेंशन, ठीक है ना। तो वो ये बोल रहा है कि जब आपका मटेरियल परमिसिबल स्ट्रेस में पहुंच जाता है, कौन सा, कंप्रेशन वाला, तो वहाँ पर आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी ली जाती है, तो वहाँ पर आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी ली जाती है कितनी, 1.67। ठीक, आपको ये डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि यहाँ पर कोडल वैल्यू है कि 800/1984 के अकॉर्डिंग आपकी परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन में कितनी होती है, 1.67। नाउ सेकंड लॉ कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फैक्टर ऑफ सेफ्टी और अ डेड लोड, यदि आप डेड लोड, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम डेड लोड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी लेते हैं, 1.5, तो आपको डायरेक्ट एग्जाम्स में इसको यूज़ करना है 1.5। जब RCC की डिज़ाइन हम देखेंगे, जैसे बीम का हम डेड लोड निकालते हैं, लाइव लोड निकालते हैं, हम विंड लोड निकालते हैं, तो डेड लोड जब बात होती है तो हम उसमें डायरेक्ट वैल्यू लेते हैं कितनी, 1.5। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज यूज टू फाइंड आउट द रिलायबिलिटी ऑफ द डिज़ाइन। अब ये ट्रू फॉल्स में आया था, तो इसका आंसर क्या है, ट्रू। रिलायबिलिटी हम चेक करने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यूज़ करते हैं कि वो मटेरियल या फिर जो एलिमेंट्स है वो कितना डिजाइनिंग के लिए रिलायबल है, उसकी सर्विसबिलिटी कितनी है। ठीक, अब आपको यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं हम यहाँ पर कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी टेल्स अस अबाउट हाउ मच लोड द मटेरियल कैन टेक बिफोर इट्स फेल, जैसे हमने आपको बताया, ठीक है ना, कि कोई भी मटेरियल है वो कितना लोड ले सकता है, हाउ मच लोड द मटेरियल कैन टेक बिफोर फेल, फेल होने से पहले कोई मटेरियल कितना लोड ले सकता है, वो उसकी क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक, बेसिकली इट्स स्टेट द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल बियॉन्ड द एक्चुअल लोड, एक्चुअल लोड कितना, जैसे मैंने आपको बताया था 60, उसका एक्चुअल लोड है कि वो 60 किलोन्यूटन तक ले सकता है, आपने 61 किया वहाँ पर क्रेक आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक ना, तो उसकी वो लोड की कैरिंग कैपेसिटी हो गई किसी भी मटेरियल की। ठीक, आई होप आपको समझ में आया, ठीक ना। तो हम यहाँ पर क्या चेक करते हैं, रिलायबिलिटी चेक करते हैं। नाउ द फोर्थ इज द व्हाट कैन अंडरस्टैंड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 1, जैसे मैं आपको बताया था, यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 1 है, इट मीन्स डेट द स्ट्रक्चर विल ओनली सपोर्ट द एक्चुअल लोड, ठीक है ना, एक्चुअल लोड को सपोर्ट करेगा यदि आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 1 है, हम लेस देन 1 नहीं लेते हैं, ठीक, और यदि ज़्यादा है तो हम उसको वहाँ पर डिफाइन करते हैं कि ट्वाइस ऑफ द डिजाइन लोड होता है। ठीक, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि स्ट्रक्चर विल ओनली सपोर्ट द एक्चुअल लोड, एक्चुअल लोड को ही सपोर्ट करेगा सिर्फ। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज द व्हाट इज द सेफ फैक्टर फॉर ऑफ फेल्यूर ऑफ अ कॉम्पोनेंट
विच ऑन फेल्यूर कैन रिजल्ट इन फाइनेंशियल लॉस और सीरियस इंजरीज। इट मीन्स यदि सीरियस इंजरीज यदि आपकी होती है या फाइनेंशियल लॉस होता है, इस चीज़ को भी हम चेक करते हैं। ठीक, तो वहाँ पर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी लेते हैं? 4। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका हम गेट में आया हुआ, कितनी लेते हैं? 4, फाइनेंशियल लॉस या सीरियस इंजरीज में। ठीक, नाउ डिजाइन फैक्टर फॉर द मोस्ट एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर इज, जो एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पर हम डिजाइन फैक्टर कितना लेता है? 1.5। डायरेक्टली यूज होना है क्योंकि ये कोडल वैल्यू से, ठीक है ना, कोड में आपको डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड की गई है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर के लिए कितनी होती है, डेड लोड के लिए कितनी होती है, ब्रिटल मटेरियल के लिए कितनी होती है। नाउ द विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर शॉकिंग लोडिंग। यदि आपकी शॉकिंग लोडिंग हो रही है, मतलब सडन लोडिंग है ना, तो वहाँ पर आपका स्ट्रक्चर पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको ज़्यादा लेना पड़ेगी क्योंकि कोई सर्टेनिटी वहाँ पर नहीं है, अनसर्टेनिटी बनी रहेगी शॉकिंग लोडिंग में। सडन लोड आया है, एकदम शॉक आया है, वाइब्रेशंस क्रिएट हुए, तो वहाँ पर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी लेनी है? 13। इट मीन्स यदि आपको जब जहाँ पर वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं, जहाँ पर अर्थक्वेक्स वगैरह, तो वहाँ पर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी लेनी है? 13। क्यों? क्योंकि शॉकिंग लोडिंग है, सडन लोडिंग हो रही है। ठीक है ना, तो आपको ये कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ पर जो हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए। ठीक है, तो आई होप आपको आज का एक टॉपिक फैक्टर ऑफ सेफ्टी समझ में आया है। ठीक है ना, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक, थैंक यू।